चौथा चंदा स्टूडियो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। सुबह 10 बज रहे हैं और हम लोगों का रिमाइंडर डाला गया था 10 बजे से आज पेपर फिजिकल एजुकेशन टीचरी का सॉल्व कराने का। मैं आपको इस पेपर को डिस्क्रिप्शन के साथ सॉल्व करवाने जा रहा हूं और आप लोग इसको देखते चलिएगा। और इसमें अगर किसी भी तरीके का अगर आपको कोई इसमें ये देखिए आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। नेटवर्क इशूज है, नेटवर्क करिए। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें बना हुआ उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दे रहा है कि इसको हम लोगों ने क्लास के दौरान भी चर्चा किया था कि मैराथन दौड़ कितनी लंबी होती है। तो 42.195 किलोमीटर इसकी चर्चा ऑलरेडी क्लास के अंदर किया जा चुका था कि मैराथन की जो दौड़ होती है वो 42.195 किलोमीटर की होती है। प्रैक्टिस सेट में भी कई बार इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था। दूसरा क्वेश्चन है कि शरीर रचना विज्ञान, यानी कि देखिए मैं आपको बार बार बताता था जब मैं क्लासेस ले रहा था उस समय मैं बोल रहा था कि आप लोग इंग्लिश के वर्ड पर ज़्यादा रिलाई किया करिए, हिंदी के वर्ड पर कम। तो अगर आप इंग्लिश के वर्ड को ही को ठीक से समझेंगे तो ही आप फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि इस पेपर से ये चीज़ एकदम प्रूफ हो जाएगी कि यहाँ पर हिंदी के वर्ड्स इंग्लिश के वर्ड्स को हिंदी में ट्रांसलेट करके यानी कि रोमन में लिखा गया है। तो ये तो कन्फर्म हो गया। अब यहाँ कहा गया शरीर रचना विज्ञान, यहाँ लिखा एनाटॉमी। तो क्या लिखता है कि एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ, तो किसके लिए, मानव शरीर की संरचना। मैं बता चुका हूँ फिजियोलॉजी में मानव शरीर की कार्य की देखी जाती है कि आपकी बॉडी कैसे फंक्शंस करते हैं, ये फिजियोलॉजी का पार्ट है। और कहाँ कहाँ बॉडी का पोर्शन कैसे, कहाँ लीवर है, कहाँ लंग्स है, कहाँ इंटेस्टाइन है, ये सब की संरचना की स्टडी करना एनाटॉमी का काम होता है। तो दो क्वेश्चन आपके हो गए। अच्छा ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये अगर सेट की बात किया जाए तो ये सेट है सी। अगर किसी बच्चे को इसकी दिक्कत है तो जान लीजिएगा सेट सी है, ये फिजिकल एजुकेशन का सेट सी है, इस बात को जानते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कि जिम्नास्टिक खेल में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला, द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिम्नास्ट टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स। आंसर होगा आपका दीपा कर्माकर। ये था आपका दीपा कर्माकर, राइट। अरे यार कौन सा लग गया यार, दीपा कर्माकर इसका आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने डेविस कप। तो यहाँ ये सब सवाल तो आप लोगों ने एग्जाम में लगाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में गए थे। तो डेविस कप जो होता है वह टेनिस से संबंधित है। अब किसी बच्चे ने कंफ्यूजन में इसको लगा दिया, डेविस कप को डूरंड कप समझ के फुटबॉल लगा दिया बच्चे ने, लेकिन जो है कि डेविस कप टेनिस से संबंधित होता है। और ये तो इसकी चर्चा भी हम लोग क्लास के अंदर कर चुके हैं। देखिए अब यहाँ पर एक सवाल आपके सामने दिया हुआ है, तो आप जब इसको पढ़ते हैं इस सवाल को आप देखेंगे तो इसमें लिख रहा है कि पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक शरीर के प्रकार के किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। तो ये प्रस्ताव जो होता है वो क्रिचमर के द्वारा किया गया था। सेल्डॉन ने तो मॉर्फिक किया था, एंडोमॉर्फिक, मेजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, ये सेल्डॉन का किया गया था। सेल्डॉन ने किया था एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मेजोमॉर्फिक, उन्होंने ऐसा कहा था। क्रिचमर ने क्या किया था, उन्होंने उस पिकनिक बोला, एथलेटिक बोला, और साथ साथ पिकनिक का मतलब होता है, ये जो पिकनिक है इसका मतलब होता है फैटी, कोई मोटा आदमी, उसको पिकनिक इन्होंने कहा। और यहाँ पर जो स्पेलिंग लिखी गई पिकनिक की वो गलत स्पेलिंग है, पी वाई होता है, वो पी वाई सी एन आई सी होता है। एथलेटिक का मतलब तो समझ ही रहे हैं कि एथलेटिक मतलब जो मस्कुलर होता है उसको एथलेटिक कहा, और एस्थेनिक का मतलब होता है दुबला पतला हो, इसका मतलब होता है फैटी।
जो मोटा तगड़ा, इसका मतलब एथलेटिक जो मस्कुलर बॉडी हो, और एस्थेनिक का मतलब होता है दुबला पतला वीक कोई आदमी, उसको उन्होंने कहा था। तो ये जो क्लासिफिकेशन था क्रिशमर का दिया गया था। जब सेल्डन को आप देखते हैं, सेल्डन ने क्या कहा था, इक्टोमार्फिक आपको याद होगा, मीजोमार्फिक और एंडोमार्फिक, उन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, उन्होंने कहा था ये मोटा आदमी होता है, ये फैटी होता है, ये एथलेटिक होता है, और उन्होंने इसको क्या कहा था, उन्होंने कहा दुबला पतला होता है। यानी कि कुल मिलाकर इसी तरीके की चर्चाएं उन्होंने की थी। तो चूंकि यहाँ पर पिकनिक, एथलेटिक और स्थेनिक के बारे में पूछा गया, जिसका आंसर होगा क्रिचमर। ठीक है, फिर अगला सवाल है कि पुरुष भाले का भार कितना होता है। तो टेस्ट में ये भी हमने कई बार करवाया था कि जेवलिन थ्रो, जिसमें अभी देखिए आपके देश के नीरज चोपड़ा साहब ने जो है कि जेवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक में अभी गोल्ड मेडल भी हासिल किया, बहुत ही चर्चित नाम बन चुके हैं वो। तो पुरुष भाले का भार जो है 800 ग्राम होता है, ये भी आप समझते हैं। अब इसमें एक होता है, निम्न में से कौन सी तकनीक दौड़ को समाप्त करने की नहीं होती है। तो दौड़ को समाप्त करने की तकनीक इसमें से कौन सी नहीं है, तो दो तकनीक उसको, तो टार्सो फिनिश। देखिए ये सब एथलेटिक्स के पोर्शंस हैं, जब आप एथलेटिक्स को ठीक से पढ़ेंगे तो टार्सो फिनिश जो होता है, वो टार्सो फिनिश का मतलब होता है कि दौड़ कर किसी दूसरे के रास्ते में रुकावट डालना, कि जिससे कि वह प्रतियोगिता में धीमे पड़ जाए, उसको बोलते हैं टार्सो फिनिश। तो टार्सो फिनिश जो होती है वह दौड़ की तकनीक नहीं होती, बाकी रन थ्रू लंज और शोल्डर स्लंग्स जो है, यानी कि ये जो होता है शोल्डर स्लंग जिसको बोलाता है, ये चीज़ें जो होती हैं, ये तीनों के तीनों टेक्निक जो होती हैं इस्तेमाल की जाती हैं। यानी कि जब भी आप रेस को फिनिश करते हैं फिनिश लाइन पर, तो आपके पास रन थ्रू, लंज और शोल्डर स्लग, ये तीन तरीके से आप खत्म करते हैं। ठीक है, शोल्डर स्लग मतलब ऐसे करके दौड़ना बैलेंस बनाने के लिए, और टॉर्सो फिनिश का मतलब होता है दूसरे के रास्ते में रुकावट पैदा करना। था ये एक तरीका, इसमें फाउल हो जाएगा और आपको पेनाल्टी हो जाएगी अलग से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए इसके बारे में चर्चा किया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो देखिए पिट्यूटरी एंडोक्राइन होता है, एड्रेनल पैनक्रियाज होता है, पेरिफेरल ऐसा कोई भी ग्लैंड नहीं होता है जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहें। एंडोक्राइन ग्लैंड उन ग्लैंडों को कहा जाता है जो हार्मोन का श्रावण करते हैं, जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, इसमें पिट्यूटरी है, एड्रेनल है, पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है, यानी ये एक्चुअली में एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही होता है। ठीक है, तो पेरिफेरल जैसा ऐसा कोई भी ग्लैंड्स नहीं होता है। अगला क्या है, एशियन खेलों में एक बारी बाल मैच दौरान कितने अधिकारी की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए अधिकारियों की संख्या होती है 4, इसमें 4 अधिकारी होते हैं, ये समझ लें आप। इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट खेल किससे संबंधित है। तो जब आप फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट की बात करते हैं, तब ये जो है एक्चुअली में ये बैडमिंटन का एक जो है कि तरीका होता है, जब आप सर्विस करने जाते हैं तो फ्रेंच शॉर्ट सर्विस जो होता है वो बैडमिंटन का एक जो है कि तरीका होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी खेल से संबंधित नहीं है। तो देखिए ऑफ साइड ये हॉकी खेल से संबंधित नहीं होता, ऑफ साइड जो होता है वो क्रिकेट में इस्तेमाल होता है, और ऑफ साइड फुटबॉल में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ऑफ साइड जो होता है वह यहाँ नहीं होता, हॉकी में नहीं होता। बुली होता है, फ्री होता है, पेनाल्टी कॉर्नर। बुली का मतलब क्या होता है कि जब किसी कारण से मैच बीच में रुक गया हो तो बॉल को बीच में रख देते हैं और दोनों खिलाड़ी मैच रीस्टार्ट करने के लिए ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, इसको बुली कहा जाता है। ठीक है, तो ये बुली होता है एक्चुअली में। ठीक है, फिर अगला क्या है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि व्हाट डज द एब्रिविएशन HIV स्टैंड्स फॉर। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसको कहा जाता है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो लगाया गया आंसर बी वो सही है आपका। ठीक है, ठीक है, अब एक सवाल इसमें पूछा गया है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा अपहर युवा फिटनेस टेस्ट का घटक नहीं है। तो अब पता चला अपहर एक्चुअल में होता क्या है, पहले ये समझना जाए कि अपहर एक्चुअली में क्या होता है। ये अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन इसका पूरा नाम होता है। इसका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम है अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, ये इसका पूरा नाम होता है।
इसमें कुल 6 टेस्ट होते हैं, अपहर में कुल 6 टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब इसमें 6 टेस्ट कौन होते हैं, एक होता है पुल अप, एक होता है पुल अप, ये तो सही है, पुल अप होता है इसके अंतर्गत, ठीक है। दूसरा क्या होता है इसके अंतर्गत, इसके अंदर जो है सिटअप होता है, ठीक है। मैं पढ़ता चला जाऊंगा, मैं बताता जा रहा हूं आप लोगों को। स्टैंडिंग लॉन्ग बोर्ड जंप ये भी इसमें होता है, स्टैंडिंग लॉन्ग बोर्ड जंप इसमें होता है। शटल रन इसके अंतर्गत होता है, और 50 मीटर का डैश होता है, और 600 मीटर का रन वॉक होता है। इसका मतलब इसमें जर्मन जो है ड्रिल नहीं होता है, यानी कि इसमें कुल एक्चुअली में एफआर में कुल 6 प्रकार की ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिनमें जर्मन ड्रिल इसका आंसर है, जर्मन ड्रिल इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। अब आता क्या है इसके अंतर्गत, तो मैं आपको बता दूं, पुल अप आता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, और जिन बच्चों को इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए वो जान लेगा। इसमें पुल अप आता है, सिट अप आता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है इसमें स्टैंडिंग लॉन्ग जंप आता है, यानी कि इसी जिसको बोर्ड जंप कहते हैं, स्टैंडिंग बोर्ड जंप, यानी ये तीनों आते हैं। इसके साथ साथ तीन इसमें और होते हैं, एक होता है शटल रन, शटल रन होता है, और एक होता है इसमें से 50 मीटर डैश, 50 मीटर का जो डैश होता है वो होता है। और ये स्कूली बच्चों को, यानी कक्षा 12 तक के बच्चों को दिया जाता है, ये ट्रेनिंग दिया जाता है उनकी फिजिकल फिटनेस के लिए, ठीक है। और एक 600 मीटर का रन होता है, 600 मीटर रन होता है, ठीक है। ये 6 जो है इस तरीके की एक्सरसाइज के अंदर करवाई जाती है, इसमें जर्मन ड्रिल नहीं आता है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, जर्मन ड्रिल इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अंतराल प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा विकसित की गई। देखिए भाई, अंतराल प्रशिक्षण विधि, इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको नहीं दे पाऊंगा कि क्योंकि इसके पीछे का रीजन क्या है, कि जो अंतराल प्रशिक्षण विधि, इसी को फार्टलेक मेथड कहा जाता है, यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को ही बुलाता है फार्टलेक मेथड, और फार्टलेक मेथड हमने आप लोग को बताया था, इसी को फार्टलेक मेथड के नाम से जाना जाता है। और फार्टलेक मेथड जो होता है वह स्वीडन के जो है एक जो है ट्रेनर थे, गोस्टा होल्मर, तो गोस्टा होल्मर ने इसको डेवलप किया था एक्चुअली में, ठीक है ना, इसको डेवलप करने का काम गोस्टा होल्मर ने किया था, ये थे स्वीडन से। इसमें विकल्प ऐसा दिया नहीं है, ठीक है। तो इसमें जब विकल्प नहीं दिया, इस क्वेश्चन के बारे में मेरी राय ये है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। जो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को भी फार्टलेक मेथड कहते हैं, जिस गोस्टा होल्मर ने डेवलप किया था, ये स्वीडन के रहने वाले थे, ये इसका मतलब सीधा सीधा होता है, ये आंसर आपका है रॉन्ग। देखिएगा, द मोटो ऑफ एशियन गेम्स, ये एशियन गेम का जो मोटो होता है वो क्या है, तो वो एशियन गेम का जो मोटो होता है वो एवर फॉरवर्ड होता है, इसका है एवर फॉरवर्ड, इसका मतलब होता है हर समय आगे, ठीक है। नॉकआउट टूर्नामेंट में ये 30 टीमें हैं, तो कितने मैच खेले जाएंगे, 29। आशीष ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जिंदगी में। देखो, अगर पेपर कभी किसी का अच्छा या बुरा होता है, तो कभी मैं एक बात आप लोगों को बताऊं कि लाइफ में कभी निराश या हताश नहीं होना चाहिए। पेपर बहुत टफ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पेपर काफ़ी कठिन आया है, और इसकी मेरिट भी बहुत नीचे जाएगी, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करिए कि बहुत ऊँची मेरिट हो, किसी से पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया होगा। पेपर अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट था, और जितना भी संभव हो सका उतना, यदि 60-65 सवाल से ज़्यादा ही सवाल करीब आपके टेस्ट से, जो टेस्ट आपको मैंने दिए थे उसमें से आए हुए हैं क्वेश्चंस, लेकिन ये कि पेपर ये डिफिकल्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कुछ ठीक है। तो आप इतना मतलब कि कोई आदमी बहुत परेशान ना हो, मैंने बोला कि लाइफ में हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो भी मैच आप जीत गए वही फाइनल है आपकी लाइफ का। तो ये एक सबक है आपको। और बहुत से बच्चों ने हमसे कहा कि सर हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए। अब सोचिए कि इसका इंग्लिश का मतलब एवर फॉरवर्ड, और हिंदी में कहीं तीव्रतम कहीं कुछ उल्टा सीधा लिखा रहता है। आप हमेशा इंग्लिश के वर्ड को देखकर पढ़ेंगे, तभी आप जानेंगे कि मोटो ऑफ एशियन गेम जो होता है वो एवर फॉरवर्ड, हमेशा आगे रहो, ठीक है। तो हर समय आगे, यही हमेशा इसका मोटो था।
नॉकआउट टूर्नामेंट में 30 टीमें हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे, और फिर सबसे बड़ी बात है जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उसमें से एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप लोग ना लगा पाए हों, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने सारे के सारे सवाल को ठीक से समझाया आप लोगों को। ठीक है, आपको एक लाइन बताऊं कि आपके सामने जो इंसान खड़ा है उस इंसान के साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, इसीलिए इन चीजों को ध्यान रखिएगा। आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बीतेगा, आपके साथ सब कुछ खड़ा होगा, सब कुछ है। लिखित में कौन सा शब्द हॉकी के खेल से संबंधित है, हॉकी खेल से संबंधित शब्द है बुली। ठीक है, बुली बता चुका हूं क्या होता है। बुली का सीधा सीधा मतलब होता है कि जब मैच खत्म हो जाता है यानी बीच में रुक जाता है तब उसको रीस्टार्ट करने के लिए जो है जो खिलाड़ी बीच में खड़े होते हैं उनको बुली कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा भारत ने 8 बार ओलंपिक हॉकी जीता है, ये भी सवाल क्लास के अंदर मैंने डिस्कस किया था। COVID-19 के कारण किस देश ने ओलंपिक खेल का आयोजन स्थगित किया था, तो जापान ने स्थगित किया था, अंत में उसी के कारण हुआ भी, वही हो भी रहा है। तो देखिए इन सब सवालों की ऑलरेडी चर्चा आपके सामने हो चुकी है, और नहीं तो आप लोग पिछले पेपर को जो मैंने सेट आप लोगों के सामने दिए हैं उन सेटों को मिलाकर आप लोग देख सकते हैं कि कितने सवाल आप लोगों के ऑलरेडी क्वेश्चंस में डिस्कस किए हैं मैंने, जिनके आंसर सीधे सीधे आंसर आए हैं, यानी क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आए हैं। करीब 65 से 70 सवाल ऐसे हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में बने हुए हैं। ठीक है, एक राउंड रॉबिन प्रतियोगिता जिसमें 8 टीमें भाग ले रही है कितने चक्र होंगे, तो अगर देखिए 8 टीमें हैं, बता चुका हूं सब में संख्या होती है N-1 चक्र होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। 7 टीमों की नॉकआउट प्रतियोगिता में कितने 22 दिए जाएंगे, तो 22 संख्या 1 होगी। लिखित में कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है, तो देखिए इसमें जो आपके सामने विकल्प दे रहा है उसमें ग्रेनियम ये सही लगा हुआ है, ग्रेनियम छोटी आंत का भाग नहीं होता है। विस्फोटक शक्ति का संबंध किसके साथ है, देखिए जब विस्फोटक शक्ति मैं बना रहा था क्लास के अंदर, मैंने एक्सप्लोसिव मेथड पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि आपके सामने गति और प्रतिरोध यानी स्ट्रेंथ के साथ साथ स्पीड दो की दोनों चीजें अगर होंगी तब जा आप बोलेंगे कि इसको आप बोलेंगे विस्फोटक शक्ति, तो गति के साथ प्रतिरोध इसका आंसर होगा। PIP यानी कि 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि का संबंध किससे है, तो लॉन्ग जंप से इसका संबंध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है, तो मस्तिष्क भाग एंड्रॉयड, ऐसा तो एंड्रॉयड तो केवल फोन होता है भाई, फिर सेरेबलम थैलमस सेरेबलम ये सब मैंने पढ़ाया क्लास के अंदर, ये सब होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वायरस के कारण होने वाला बीमारी नहीं बीमारी है, तो चिकन पॉक्स देखिए वायरल डिजीज होता है, आपको बता चुका हूँ। हैजा तपेदिक और कुष्ठ ये सब जो है ये सब बैक्टीरिया से होते हैं, ये सब के सब बैक्टीरियल डिजीज हैं, जब इसको पढ़ा रहा था तो भी बैक्टीरियल डिजीज होते हैं और चिकन पॉक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब मैंने टेस्ट करवाया था, जब मैंने हार्वर्ड टेस्ट का आज क्वेश्चन डाला था आपके, उसमें मैंने डिस्कशन किया था कि उस डिस्कशन के दौरान कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को ल्यूसिन रोहा के द्वारा डेवलप किया गया था, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है वह ल्यूसिन रोहा के द्वारा डेवलप किया गया था। मोटापे से उत्पन्न नहीं होता है, तो मोटापे से कैंसर का कोई संबंध नहीं है, बाकी जो है सारी समस्याएं मोटापे से उत्पन्न हो सकती हैं। निम्नलिखित में कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी होता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी है। निम्न में से कौन सा जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक है, तो बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो सेल होता है, कोशिका होती है। ठीक है, कौन सा खेल का सिद्धांत नहीं है, ठीक है देखिए साइको एनालिटिक टेस्ट सोशल कॉन्टेक्ट थियरी और कैथार्टिक थियरी ये तीनों होता है, इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी साइको फिजिकल थियरी, ऐसी कोई थियरी खेल के सिद्धांत में प्रयोग नहीं की जाती है। आहार या का ऊर्जा मूल्य किस इकाई मापा जाता है, तो कैलोरी में मेजरमेंट होता है। अपहर्ड युवा फिटनेस परीक्षण मापने के लिए होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है जो अपहर्ड युवा फिटनेस परीक्षण जो होता है यानी कि 12 तक के स्कूल के बच्चों के लिए, वो उनकी जो है कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन का जो आंसर बना दिया है वो सामान्य मोटर की क्षमता, मोटर फिटनेस, मोटर शिक्षा, तो मेरे विचार से इसका आंसर जो होता है, मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ, इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि
इसमें सारी की सारी चीज़ें एक साथ उनको दी जाती हैं, उनकी मोटर फिटनेस कैसी बने रहेगी। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे विचार से डी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें मोटर शिक्षा, मोटर फिटनेस और सामान्य मोटर की क्षमता, ठीक है, ये तीन के तीनों चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, यहां पर है बेकहम, डेविड बेकहम फुटबॉल से संबंधित हैं, सेरेना विलियम टेनिस से संबंधित, सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित हैं, ये दीपिका संधू बैडमिंटन से नहीं है। ये दीपिका संधू एक्चुअल में एक उद्यमी है, ये इनका खेल से लेना देना नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, मूल कौशल इंस्टेंट किक किस खेल से संबंधित, इंस्टेंट किक फुटबॉल से संबंधित होता है। किस देश में वॉलीबॉल खेल शुरू किया गया है, तो ये शुरू हुआ ये वैसे में, ₹2020 में फ्रेंच ओपन किसने जीता था, तो 2020 का फ्रेंच ओपन जो होता है राफेल नडाल ने जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक क्षमता का नहीं है, अगर कहा जाए कि कौन सा नहीं है तो उसका जवाब आपका होगा गति, स्पीड, वह जो है शारीरिक क्षमता से इसका संबंध नहीं होता है। ताकत स्ट्रेंथ, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस ऐसा होता है, स्पीड नहीं होता है। स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड्योरेंस होता है, स्पीड नहीं होता है। डेड बॉल किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो डेड बॉल क्रिकेट में होता है। क्रिकेट में बॉल अगर फेंकने के लिए गया और नहीं फेंक पाए कि नहीं कार्डों से, उसको डेड बॉल ऐसे करके अंपायर, इस प्रकार से ऐसे करके अंपायर डेड बॉल दे देता है। ठीक है, मनोविज्ञान को शारीरिक शिक्षा के छात्र को सिखाया जाता है, वह क्या मतलब फिजिकल स्टार्ट टू द स्टूडेंट टू द फिजिकल एजुकेशन बिकॉज, क्यों सिखाते हैं उसको हम, उसको हम सिखाते हैं कि यह उसके लर्निंग बिहेवियर में, उसके सीखने में उसकी मदद करता है। ठीक है, इसके सीखने में उसकी मदद करता है। अगला होता है, हॉकी खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक के आयोजन के दौरान अंपायर की स्थिति क्या होती है, तो जो अंपायर की स्थिति होती है वो स्ट्राइकिंग सर्किल के पास होती है। अंपायर की पोजीशन स्ट्राइकिंग सर्किल के पास होती है। फ्यूजी फॉर्म शब्द देखिए कि फ्यूजी फॉर्म शब्द, ये फ्यूजी फॉर्म जो शब्द होता है वो अस्थि पेशी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि आपको होता है फ्यूजी फॉर्म स्केल्टल मसल्स, नाम होता है फ्यूजी फॉर्म स्केल्टल मसल्स, ये अस्थि पेशियों से जुड़ा होता है। हॉकी के ब्लैक बोर्ड की ऊंचाई ये 18 इंच, क्रियाशील शक्ति को क्या कहा जाता है, देखिए जो जो क्रियाशील शक्ति होती है उसी को आइसोटोनिक कहा जाता है, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक शक्ति। आइसोटोनिक में बताया था कि इसमें क्या करते हैं आप कि आप बॉडी में रिलैक्सेशन और फ्लेक्शन गति को उत्पन्न करते हैं, इसमें क्रियाशीलता होती है। आइसोमेट्रिक में आप कोई वर्क डन करते ही नहीं है क्योंकि दीवार को ढकेलना आइसोमेट्रिक था। देखिए जिन लोगों ने ध्यान से नहीं सुना होगा इन चीजों को, ठीक है, ये बुकलेट सी का ही है। खेलों में पुनर्वास का उपयोग किया जाता है, तो एक करेक्टिव एक्सरसाइज के लिए किया जाता है। खेलों की सरप्लस एनर्जी थ्योरी को स्थापित करने वाला कौन था, तो अगर कहा जाए कि सरप्लस एनर्जी थ्योरी को कौन स्थापित करने वाला था, तो ये थे वी सेलर एंड एच स्पेंसर, वी सेलर और एच स्पेंसर, ये थे एक्चुअली डी इसका आंसर होगा। ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन, जब ऑस्टियोलॉजी आप कहते हो कि ऑस्टियोलॉजी, तो ऑस्टियोलॉजी का मतलब इसकी चर्चा ऑलरेडी की जा चुकी है। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है, तो खाद्य तेल प्रोटीन का स्रोत नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेशी हड्डी से जुड़ी रहती है, टेंडन्स के द्वारा जुड़ी होती है। कौन सा तंत्रिका तंत्र का प्रकार नहीं है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है, सेंसरी कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है, तो पानी में बी और सी दो घुलता है, ध्यान से सोचा गया इसका बी।
किस खेल में एंटीना का प्रयोग किया जाता है, तो मैंने पढ़ाया था स्पोर्ट, जितने मैंने पढ़ाए थे उसमें एंटीना शब्द का प्रयोग किया गया। एंटीना का मैंने क्वेश्चंस भी करवाया है कि एंटीना जो होता है वो एक्चुअली वॉलीबॉल में प्रयोग करते हैं, और ये जो है कि ये दो तरफ रॉड लगते हैं जिसमें व्हाइट और रेड कलर की स्ट्रिप बनी होती है। ये सब चर्चा ऑलरेडी मैं क्लास के अंदर कर चुका हूँ। रिले दौड़ के समय टेक ओवर जोन का निरीक्षण कौन करता है, तो वो निरीक्षण अंपायर करता है। टेक ओवर जोन के समय वो खड़ा रहता है कि रिले जो दिया जाता है उस समय रिले हाथ से गिरा क्या हुआ कैसे हुआ सब का निरीक्षण करने का काम जो है। एथलेटिक्स ट्रैक्स इवेंट्स में लाइनों की चौड़ाई कितनी होती है, तो बिल्कुल सही है 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, निम्न में से कौन सा आसन बैठने की व्यवस्था में किया जाता है, तो ये अर्धमत्स्येंद्र आसन होता है। ठीक है, अगली बात, किसी लेन के स्टेगर डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है, WN-1 -0.1 × 2 × W, ये होता है इसका फार्मूला बी। कौन सी बीमारी संक्रमित स्तनधारियों से मनुष्य में फैलती है, संक्रमित स्तनधारी इसमें शब्द इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि इसमें जो भी होगा वो मैमल्स होगा, तो कुत्ते से काटने से मैमल्स रेबीज फैलता है और कोई नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा रेबीज। पेशी फाइबर की मोटाई में वृद्धि को क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं एक्चुअली में हाइपरट्रॉफी। ठीक है, ये हाइपरट्रॉफी होता है जब पेशी फाइबर की मोटाई में वृद्धि होती है। डिस्कस थ्रो में सेक्टर का कोण कितना होता है, तो बता चुका हूँ 34.92, ये भी एग्जाम में मतलब ये भी सवाल में कर चुका हूँ। ये काइफोसिस भी मैं बता चुका हूँ क्लास के अंदर कि काइफोसिस क्या होता है, ये भी मैं ऑलरेडी क्लास में चर्चा कर चुका हूँ कि काइफोसिस रीढ़ की हड्डी का मुड़ जाना होता है, बेंडिंग होता है। ठीक है, अगर आप लोग अगर पेपर को उठाकर एक बार राउंड चेक कर लिए होते तो आप लोग समझ जाता है राउंड बैक होता है काइफोसिस, काइफोसिस राउंड बैक होता है, ये आपकी हड्डी मुड़ जाती है। जितना आप लोगों को प्रैक्टिस सेशंस करवाया गया था अगर उस पर आप लोगों का ध्यान होगा तो आप लोग मतलब भर का क्वेश्चन इसमें कर आएंगे और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है, वो तो आपका अस्थि विज्ञान कहलाता है। अगला क्या पूछा, गति का संकेत, जो गति का संकेत है वो कैसे है, तो भाई आप किलोमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर, घंटा, न्यूटन होता नहीं, गति को किलोमीटर पर आवर से आप देखते हैं, इससे देख सकते हैं, मीटर पर सेकंड से भी देख सकते थे। WBC का मुख्य कार्य क्या है, WBC काम आपकी बॉडी के अंदर डिफेंस करना होता है, जीवाणु के खिलाफ लड़ाई करना होता है। ठीक है, ये होता है। सीट एंड रिच टेस्ट मापता है, तो जो सीट एंड रिच टेस्ट है उसका मेजर जो किस चीज का मेजरमेंट करता है, तो वो मेजरमेंट करता है हैमस्ट्रिंग और पीठ के लचीलेपन का, जो पीछे हैमस्ट्रिंग्स होती है उसके और लचीलेपन का। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार यश भारती अवार्ड जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा खिलाड़ी को दिया जाता है, देखिएगा ये लक्ष्मण अवार्ड, ये बिल्कुल सही है, यश भारती अवार्ड भी दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, लेकिन यह एक नागरिक सम्मान है, खेल का सम्मान लक्ष्मण अवार्ड होता है। सीखना वह प्रक्रिया है जिससे बदलाव होता है, सीखने से आपके व्यवहार में बदलाव आता है। शॉटपुट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को निम्नलिखित में से 3 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो किस पर ध्यान उनका केंद्रित करना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको मैक्सिमम शॉटपुट में अपना एक्सेलरेशन जनरेट करना होगा, और इष्टतम कोण इसका आंसर होगा
245A, इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें दो चीजों में एक चीज की दिक्कत है। हाँ, मेरे आंसर से मेरा आंसर 245 होगा, इसके लिए कमीशन का आंसर मेरे से वैरी कर सकता है। इस मामले में हो सकता है आंसर वैरी करे मेरे से। स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो अगर खुद से सीखना है तो आप ऑब्जर्वेशंस करिए। ऑब्जर्वेशंस करके आप जो है डिमॉन्स्ट्रेट नहीं, ऑब्जर्वेशंस पहले करेंगे, इसके बाद आप डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। तो ऑब्जर्वेशंस के बाद ही डिमॉन्स्ट्रेशंस किया जाना चाहिए। कौन सा भारतीय बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाला पहला खिलाड़ी था? तो अगर विश्व खिताब जीतने वाले बात किया जाता है ना, तो विश्व वर्ल्ड टाइटल कोई जीतने वाले वो प्रकाश पादुकोण थे। डिक्लेथान भी लास्ट जब एक्सरसाइज करवा रहा था तो डिक्लेथान के बारे में बताया था कि इसमें दूसरे दिन अंतिम प्रतियोगिता 1500 मीटर की दौड़ होती है। 110 मीटर बाधा दौड़ में उसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो ये ऊंचाई भी हमने आपको 110 मीटर बाधा दौड़ में बताई थी। इसकी ऊंचाई जो होती है वो 1.067 होती थी, और 1.07 दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत होगा? इनमें सबसे अच्छा स्रोत अमरूद होगा, टमाटर नहीं होगा, अमरूद होगा सबसे अच्छा स्रोत इसमें। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है? देखिए ये सब सारे क्वेश्चंस क्लास में करवाए गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस क्लास में करवाए गए हैं। सार्टोरियस, एक पेशी के तीव्रतम संभव समय में प्रचंडता के साथ संकुचन करने की योग्यता को क्या कहा जाता है? तो अगर वो तीव्रता के साथ करता तो उसको हम बोलते हैं चपलता, यानी एजिलिटी कहा जाता है। द एबिलिटी ऑफ ए मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली विद इन ए क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम इज कॉल्ड चपलता। निम्नलिखित में कौन सा क्राउच स्टार्ट की श्रेणी में नहीं आता? ठीक है, अब देखिए इसको इस पेपर को इसको आप बहुत सामान्य पेपर मानेंगे क्या? इसको आप बहुत सामान्य पेपर मानेंगे, इसमें सामान्य पेपर जैसा कुछ नहीं है। इस पेपर इतना इस हद तक बना दिया गया है कि इस पेपर को इस हद तक बना दिया गया है कि इसमें मेरिट काफी कम जाएगी। ये पेपर सरल नहीं था, ये पेपर कठिन था, लेकिन फिर भी हम लोगों के पास 70 से ज्यादा सवाल ऐसे हैं जो हमारे लोग के प्रैक्टिस से ही केवल आ गए हैं। अगर वो प्रैक्टिस के सारे सवाल और 10-20 सवाल आपने अपने से कर दिए होंगे सही, तो आप सेलेक्टरों के लिस्ट में आ जाएंगे, क्योंकि मेरिट इसकी बहुत नीचे जाएगी, इतना तो आप जान लीजिएगा। निराश नहीं होना है, जिंदगी में निराश नहीं होना है। ये पेपर सरल नहीं है, मैं पहले से बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट ए इजी क्वेश्चन, ये सरल पेपर नहीं है। ठीक है, करण निलिखित में कौन सा क्राउच स्टार्ट की श्रेणी में नहीं आता है? तो अगर आप कहते हैं क्राउच स्टार्ट में कौन सा नहीं आता है, तो आपका होता है कि मीडियम स्टार्ट, एलोंगेटेड स्टार्ट और बंच स्टार्ट, ये तो तीनों आता है, लेकिन शॉर्ट स्टार्ट ऐसा कोई भी मेथड इस्तेमाल नहीं होता है। यानी कि क्राउच स्टार्ट की जो है श्रेणी में शॉर्ट स्टार्ट नहीं आता, 75 का ए होगा, 75 का होगा ए, 76 का। निम्नलिखित में कौन सा प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है? तो देखिए ये भी बताया जा चुका है, तो सी जो है एंटीसिपेटरी, ये प्रतियोगिता का प्रकार नहीं होता है। फिनिश ग्रिप संबंधित है, अब फिनिश ग्रिप किससे होता है? देखिए फिनिश ग्रिप का प्रयोग होता है जेवलिन में करते हैं, ठीक है, जेवलिन में फिनिश ग्रिप जो होती है जहां से आप पकड़ कर जेवलिन को थ्रो करते हैं, उसको फिनिश ग्रिप कहा जाता है। फुटबॉल का प्रथम विश्वकप, देखिए ये भी क्लास के अंतर्गत हम लोग उरुग्वे के बारे में, यहां भी इसको क्लास के अंतर्गत पढ़े थे। कौन सी ड्रग की श्रेणी में नहीं आता? तो देखो एक आता है नार्कोटिक्स, डिप्रेजेंट्स और स्टिमुलेंट्स। तो डिपेंडेंट्स जो होते हैं वो कोई ड्रग नहीं होते हैं, स्टिमुलेंट, डिप्रेसेंट्स और नार्कोटिक्स ये सब ड्रग्स की श्रेणी में आते हैं। रंगास्वामी हॉकी से संबंधित था, इसको भी हम लोगों ने टेस्ट में करवाया है। निन्मे कौन सा कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? बहुत बार क्लास में हो चुका है। व्यक्तिगत भिन्नताएं कैसे होती हैं? वंशानुक्रम से होती है, भी कई बार क्लास के अंदर हो चुका है, आप उठाकर टेस्ट देख लीजिएगा, फिर आप बोलिएगा कि आपको ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट मिले हैं कि नहीं मिले हैं, ये सब आपको सीधे सीधे डायरेक्ट आपको मिले हैं। ठीक है, कौन सा फुटबॉल से संबंधित है? फुटबॉल में अंपायर नहीं होता है, फुटबॉल रेफरी होता है।
उबेर कप के साथ जुड़ा हुआ है, तो बैडमिंटन महिला का बैडमिंटन है ये उबेर कप, थॉमस कप पुरुषों का होता है, उबेर कप महिला का होता है। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण ऊंचाई को मापता है, तो अगर आपको बोझा जाए कौन सा उपकरण ऊंचाई को मापता है, इसका मतलब होता है कि आप स्टेडियोमीटर की बात करें, स्टेडियोमीटर ऐसे स्केल लगी होती जहां आपकी लंबाई नापी जाती है स्टेडियोमीटर में। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, ये किसका कथन है, आप टेस्ट में चेक कर लीजिए, ये भी आपको मिल जाएगा क्लास के अंदर की इस बात को अरस्तु ने कहा था, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, ये बात अरस्तु ने कहा था। फिर डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो बीसी राय जो ट्रॉफी है, इस ट्रॉफी का जो संबंध है वो संबंध है आपका फुटबॉल से। कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है, तो खेल प्रशिक्षण का अगर सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर हो जाएगा रुकने और चलने का सिद्धांत, ये नहीं होता। प्रिंसिपल ऑफ स्टॉप एंड गो नहीं होता है, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी होती है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ स्टॉप एंड गो नहीं होता है, रुकने और चलने का सिद्धांत नहीं होता है। स्कैपुला कहाँ स्थित होती है, ठीक है, तो देखिए अपर बैक में होती है, ये भी हम क्लास के अंदर करवा चुके हैं, ठीक है। देखिए ये पोर्शंस हमने नहीं पढ़ाया है, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी वाले पोर्शंस को हमने नहीं पढ़ाया है क्लास के अंदर, ये हमने नहीं पढ़ाया है, समझ रहे हैं आप इसको जो है कि, इसीलिए इसमें भले आपको दिक्कत आ, लेकिन जो पोर्शंस मैंने अपने से पढ़ाया है, ठीक है, उसमें से आपको एक भी प्रश्न नहीं रुकता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। एक यह आदेश मिला है कि मैं एक एक सवाल को शुरुआत से फैलाकर फिर से बताता चलूं आप लोगों को, क्योंकि डिस्क्राइब तो मैंने कर ही दिया है, तो मैं एक सवाल को आप लोगों को बताता चल रहा हूं। और आप इस पेपर में साफ साफ देख सकते हैं कि आधे से ज्यादा सवाल तो केवल टेस्ट से आए हुए हैं, देखने दिया दिखता नहीं, मुझे नहीं दिखेगा तो मैं तब नहीं समझ पाऊंगा ना, मैं साफ आ रहा नहीं आ रहा, मुझे दिखता ही नहीं। मैराथन दौड़ बता चुका हूँ, 42.195 किलोमीटर की होती है मैराथन की दौड़, ठीक है, ये आप लोग पहले से जानते हैं। इसके बाद दूसरे सवाल में क्या है कि मानव शरीर रचना विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, भी बता चुका हूँ, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ आप आंसर, इस पर मार्क करते चलिए अपने हिसाब से, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिम्नास्टिक खेल में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रथम कौन थे, तो प्रथम दीपा कर्माकर, ये भी बता चुका हूं, आप लोग अपना आंसर मिलाते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टिक लगाया हुआ है, टिक लगाने में टाइम जाता है, तो आप लोग देखते चलिए, एक बार टिक ऑलरेडी लगा चुका है, फिर से एक बार दिखाता चल रहा हूं इसका आंसर। डेविस कप का जो संबंध है वह टेनिस से है, ये भी देखते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन को फिर से बड़े में देखते चलिएगा, ठीक है। पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक, ये जो होता है किसने दिया था, तो ये क्रिश्मर का दिया हुआ था, ठीक है, इसकी व्याख्या दे चुका हूँ। पिकनिक का मतलब होता है मोटा, एथलेटिक का मतलब होता है कि एकदम मस्कुलर बॉडी, और साथ साथ एस्थेनिक का मतलब होता है दुबला पतला। पुरुष के भाले का भार कितना होता है, तो पुरुष के भाले का भार 800 ग्राम होता है, ठीक है। फिर इनमें से कौन सी तकनीक दौड़ को समाप्त करने की नहीं है, तो मैं बता दूं टार्सो फिनिश जो है वो तकनीकी वो दौड़ को समाप्त करने की नहीं होती है, टार्सो फिनिश तकनीकी वो दौड़ को समाप्त करने के लिए नहीं होती है, इस बात को जानेगा, वो दौड़ में अवरोध उत्पन्न कर देती है। फिर अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, तो पेरिफेरल जो कोई भी ग्लैंड नहीं होती जिसको एंडोक्राइन आप कहें, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब पेरिफेरल ग्लैंड नहीं होता, बाकी सब एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। एशियन खेलों में वॉलीबॉल मैच के दौरान कितने निर्णायक होते हैं, निर्णायकों की संख्या 4 होती है, ठीक है, आंसर ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूं, सुना होगा आप लोगों ने। फ्रेंच शॉर्ट सर्विस
ये फ्रेंच शॉर्ट सर्विस बैडमिंटन खेल से संबंधित होता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें कौन सा हॉकी खेल से संबंधित नहीं है, तो हॉकी में जो होता है वो ऑफ साइड नहीं होता भाई, ऑफ साइड में हॉकी शब्द का प्रयोग, हॉकी में ऑफ साइड शब्द का प्रयोग नहीं होता है। अगला क्या, एच आई वी का पूरा नाम आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा बी, ह्यूमन इम्यून वायरस, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा आहपर का युवा फिटनेस टेस्ट का घटक नहीं है, ठीक है, इसमें जर्मन ड्रिल जो होता है वह जर्मन ड्रिल, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी जर्मन ड्रिल, जर्मन ड्रिल जो है इसमें नहीं होता है, और बाकी चीजें हमने ऑलरेडी इसके पहले लिखी हुई हैं आप लोगों को। इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि यह प्रश्न जो होता है रॉन्ग है, इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ये मेथड दिया गया अंतराल प्रशिक्षण विधि, इसको फार्टलेक मेथड कहा जाता है, और मैं बता चुका हूं फार्टलेक मेथड इसको गोस्टा होल्मर ने दिया था जो स्वीडन के रहने वाले थे, और इसका विकल्प इसमें मौजूद नहीं है, तो मैं इस प्रश्न का आंसर आपको नहीं दे रहा हूं, ठीक है, रॉन्ग है ये क्वेश्चन। एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है, तो एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य जो होता है वो एवर फॉरवर्ड होता है, इसका आंसर क्या है, एवर फॉरवर्ड, ठीक है। नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि 30 टीमें हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे, तो नॉकआउट टूर्नामेंट में जितने टीमें होती हैं उससे एक का मैच खेला जाता है, तो इसका मतलब था 29 मैच खेले जाएंगे। अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हॉकी के खेल से संबंधित है, वह शब्द है बुली, बुली शब्द जो था हॉकी में इस्तेमाल किया जाता है, बुली में जब मैच किसी कारण से बीच में बंद हो जाता है तो दोनों टीम के खिलाड़ी मिड लाइन पर अपनी बॉल रखकर स्टिक के साथ ऐसे खड़े होते हैं, इस पोजीशन को बुली कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद भारत ने कितनी बार ओलंपिक में हॉकी स्वर्ण, मतलब हॉकी में स्वर्ण जीता है ओलंपिक का, तो 8 बार भारत जीत चुका है स्वर्ण, अंतिम बार 80 में जीता था, ठीक है। कोविड-19 के कारण किस देश ने ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थगित किया, तो अगर कोविड-19 के कारण खेलों के स्थगन करने की बात होती है तो जापान में स्थगित किया, और जापान ने फिर से इस बार करवाया भी। एक राउंड रॉबिन प्रतियोगिता जिसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं, कितने चक्र खेले जाएंगे, तो जानते हैं चक्रों की संख्या अगर सम में है, यानी टीमों की संख्या अगर सम में है, तो टीम एक्चुअली में आपके पास है कितने, आपके पास जो टीम है वो टीम है आपके पास 8, तो 8-1=7, 8-1 क्या होता है 7, राइट। चलिए अगला देखते हैं, 7 टीमों की एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में कितनी बाई दिए जाएंगे, तो मैं बता चुका हूं कि बाई कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो बाई कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, कि आप 2 के पावर लगा दीजिए, 2 के पावर आप जितना भी आप पाते हैं, 7 टीमें हैं तो 2 के पावर के रूप में जाओगे, 2 के पावर 3 होता है 8, और -7 कर दोगे तो 1/22 आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। इस तरीका मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्लास के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ कैसे निकाला जाता है, और शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो इसको गलत भी किया हो। इसका डियोडेनम्स, जेजुनम और इलियम्स, ठीक है, तो डियोडेनम और जेजुनम और इलियम्स, जब आप देखते हैं इसको, तो जब आंत को आप इस प्रकार से आप देखते हैं, तो जब ये संरचना, तो जब ये यहाँ से इस तरीके से मुड़ती है ये संरचना, तो यहाँ से ये पाइलोरिक वाल्व होता है, बना चुका हूँ पाइलोरिक वाल्व, से जब ये मुड़ता है यू टाइप का, तो इसी को बोलते हैं डियोडेनम, क्लास में देखेंगे वीडियोज मिलेगा। इसके बाद ये इस तरीके से आगे बढ़ता है, इस बीच वाले पोर्शंस को बोलते हैं जोजेनम, और सबसे निचले वाले भाग को इलियम बोला जाता है, ग्रेनियम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है, यहां पर ग्रेनियम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब अगला सवाल है, विस्फोटक शक्ति का संबंध किससे है, तो विस्फोटक गति और प्रतिरोध दोनों को, यानी मैंने जब मैंने विस्फोटक पढ़ाया था मैंने नीचे लिखा था कि वहां क्या लिखा था, स्पीड एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध और स्पीड, यानी गति और प्रतिरोध दोनों का संगम होता है, तब आप बोलते हैं कि वो क्या है, विस्फोटन, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कहलाता है वो। PIB प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड का इस्तेमाल हम लॉन्ग जंप में करते हैं, प्लास्टिक इंडिकेटर का इस्तेमाल हम लोग लॉन्ग जंप में करते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है, देखिए सेरेबेलम,
से थैलमस और सेरेब्रम्स, ये दोनों जो ये दोनों पोर्शन वो अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं, ये दो जो हैं ये अग्र मस्तिष्क के भाग हैं और ये जो होता है वो पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है और एंड्राइड ऐसा कुछ नहीं होता। इसका आंसर क्या जाएगा? एंड्राइड। ये राइट रॉन्ग हो गया। फिर निम्नलिखित में कौन सा वायरस के कारण होने वाली बीमारी है? तो वायरस से चिकन पॉक्स होता है। सब क्लास के अंदर आप देख डालिए, आपको सारे क्वेश्चन के सही जवाब आपको मिल जाएंगे। वायरस जो होता है वो चिकन पॉक्स के कारण होता है। ठीक है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की बात की जा रही है तो इनको जो है ल्यूसिन रोहा के द्वारा, ये ल्यूसिन रोहा थे और इनके कुछ और भी इनके साथ इनके कुछ एसोसिएट्स थे, इन लोगों ने मिलकर इस हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को निर्मित किया था। ठीक है, अगला सवाल है मोटापे से उत्पन्न नहीं होता, तो मोटापे से क्या उत्पन्न नहीं होता? तो मोटापे से कैंसर नहीं होगा, मोटापे का संबंध कैंसर से नहीं है, मोटापे का संबंध जो है वह कैंसर से नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी होता है? तो हड्डियों कैल्शियम और फास्फोरस, इसकी चर्चा ऑलरेडी क्लास के अंदर कर चुका हूं। कैल्शियम और फास्फोरस ये दो के दोनों ही चीजें जो होती हैं वो उसके लिए उपयोग, कैल्शियम और फास्फोरस ये भी जब आप क्लास के अंदर देखेंगे तो उस कंडीशंस में आपको इसका भी आंसर मिलेगा। ये भी इसकी भी चर्चा ऑलरेडी क्लास के अंदर की जा चुकी है। बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में कहा गया, किससे मिलकर पूरा बना हुआ है? तो उसका आंसर होगा सेल, कोशिकाओं से मिलकर बना है। मैंने क्लास के पहले ही डे पर कोशिकाओं से ऊतक, ऊतक से ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्र से अंग, अंग से शरीर, शरीर से जनसंख्या, जनसंख्या से समुदाय, समुदाय से क्या नाम है इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम से फिर बायोस्फीयर, बायोस्फीयर से फिर क्या हम लोगों को बनाया था, पूरे यूनिवर्स की रचना किया था। पहले दिन क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था ये पॉइंट्स। ठीक है, आप लोग क्लास को देखिए बहुत ध्यान से सेंसरली, जो बच्चे किसी कारण से पीछे रह गए या क्वेश्चन करने में, उन्होंने या तो क्लास को सेंसरली नहीं लिया और या तो फिर जो उन्होंने लेट से ही क्लास ज्वाइन की होगी और कुछ तो कमी रही होगी, अदरवाइज सिलेक्शन भर का क्वेश्चन तो आप इससे निकाल ही ले जाते, हर हाल में निकाल ले जाते, क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं जिसको हमने क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस में करवाया है, आधे से ज्यादा सवाल का मैं लाइन खींच सकता हूं। निम्नलिखित में कौन सा खेल का सिद्धांत नहीं है? देखो इसमें साइकोफिजिकल थियोरीज जो है ऐसा कोई सिद्धांत नहीं होता, साइकोफिजिकल थियोरीज ऐसा कोई सिद्धांत नहीं होता भाई। हाँ ठीक है, आहार का ऊर्जा मूल्य जो है किस इकाई के रूप में मापते हैं? तो कहने की बात नहीं, कैलोरी के रूप में हम लोग एनर्जी को मापते हैं। फिर एक सवाल है अपहर्ड युवा फिटनेस परीक्षण मापने के लिए, मैंने कहा इस क्वेश्चंस का जवाब मैं ऑल द एबव लगाऊंगा, सभी डी इसका आंसर लगाऊंगा मैं, क्योंकि इसको सामान्य मोटर की क्षमता भी नापते हैं, मोटर फिटनेस भी मेजरमेंट करते हैं और मोटर शिक्षा भी दिया जाता है और उपयुक्त सभी इसका आंसर्स के रूप में मैं शामिल करूंगा। ये डाउटफुल आंसर हो जाएगा, हो सकता है डाउटफुल हो ये आंसर। अगला क्या है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? जब आप सुमेलित की बात करते हैं कौन सुमेलित नहीं है, डेविड बेकहम फुटबॉल से ही है, सेरेना विलियम्स टेनिस से ही है, सानिया मिर्जा टेनिस से ही है, लेकिन दीपिका संधू जो है ये कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो गए, वो संधू पी बी संधू और दीपिका संधू ऐसे ही जानबूझ के उसने एक ऐसे ऑप्शन बनाया और बच्चे ने गलती कर दिया। इसका आंसर सी होगा और कहीं से गलती हो जाती है कभी कभी। इंस्टेंट किक किस खेल से संबंधित है? इंस्टेंट किक जो होता है वो फुटबॉल से संबंधित होता है। ठीक है, किस देश में वॉलीबॉल खेल शुरू हुआ? बता भी चुका हूं वॉलीबॉल, मैंने उस समय मैंने डिस्कस करते समय क्लास में डाला भी था और क्वेश्चन भी और बताए थे, यूएस इसका जन्मदाता देश है। 2020 में फ्रेंच ओपन के विजेता कौन थे? तो 2020 में फ्रेंच ओपन के विजेता राफेल नडाल थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक क्षमता का नहीं है? तो स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक क्षमता के घटकों में से आपकी गति को शामिल नहीं किया जाता, स्पीड नहीं है, स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस होता है, स्पीड नहीं होती है। डेड बॉल किस खेल से जुड़ा है? डेड बॉल क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, क्रिकेट में डेड बॉल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मनोविज्ञान को शारीरिक शिक्षा के छात्र को सिखाया क्यों जाता है? तो शारीरिक मनोविज्ञान को सिखाने के पीछे का सीधा सीधा था, जब व्यक्ति का मन का विज्ञान दुरुस्त होगा उसकी लर्निंग कैपेसिटी हमेशा बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसकी लर्निंग कैपेसिटी सीखने में वो मदद करने लगता है, ठीक है। हॉकी खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक के दौरान जो है अंपायर की स्थिति क्या होती है? अंपायर जो होता है स्ट्राइकिंग सर्कल के बगल में ही होता है, जो स्ट्राइकिंग सर्कल होता है उसी पर वो भी खड़ा होता है, जिसे उसको देखता रहता है नजदीक से। फ्यूजी फॉर्म शब्द बता चुका हूं, फ्यूजी फॉर्म मसल्स के में ऐसा करके एक स्ट्रक्चर होती है, इसको फ्यूजी फॉर्म कहा जाता है। इस प्रकार का जो मसल्स होता है इस तरीके का, इनको बोलते हैं फ्यूजी फॉर्म्स। कोई भी इस तरीके कोई संरचना होगी उनको फ्यूजी फॉर्म से कहा जाता है, ठीक है। जैसे सलजम है, मूली है, देखो ये इस तरीके की संरचना कोई भी आप देखते हैं संरचना, इस तरीके की संरचना में फ्यूजी फॉर्म्स बोलते हैं। तो ये एक्चुअली मसल से जुड़ा हुआ शब्द होता है। हॉकी में ब्लैक बोर्ड की जो ऊंचाई होती है वो 18 इंच, यद्यपि एग्जैक्ट नहीं होती है 18 इंच, मैं पहले से भी बता देना चाहता हूं। क्रिया की सील शक्ति डायनेमिक स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं? तो जो डायनेमिक स्ट्रेंथ आपकी होती है वो डायनेमिक स्ट्रेंथ, इसी को आइसोटोनिक स्ट्रेंथ कहा जाता है। डायनेमिक यही तो गतिशील होती है, मैंने डंबल का एग्जांपल दिया था कि डंबल हाथ में लेकर इस तरीके से करना ये आइसोटोनिक कहलाएगा और ये क्रियाशील होती है। यही सब तो अपने से दिमाग लगाने का मामला होता है। खेलों में पुनर्वास का उपयोग किया जाता है, तो देखिए ये करेक्टिव एक्सरसाइज होती है। पुनर्वास का मतलब क्या होता है कि कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो गया और उसको पुनः खेल के मैदान पर लाना पुनर्वास कहलाता है। उसके लिए करेक्टिव एक्सरसाइज यानी उसको सही से एक्सरसाइज कराओ जिससे वो अच्छा हो जाए जल्दी से जल्दी। खेलों की सरप्लस एनर्जी थ्योरी को किसने स्थापित किया था? तो खेलों की सरप्लस एनर्जी को वी सेलर एवं एच स्पेंसर ने, ठीक है, इन्होंने स्थापित किया था। ऑस्टियोलॉजी ये जो होता है वो आपका अस्थियों से संबंधित होता है अध्ययन। चूंकि समझा चुका हूं इसलिए इस बार केवल आंसर आपको बता रहा हूं, नजदीक करके आपके साथ नजदीक से नहीं दिख रहा था इसलिए ऐसा मैनेजमेंट से मुझे आदेश आया तो मैं इसको ऐसा कर रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तो तेल जो होता है वो वसा का स्रोत होगा, प्रोटीन का स्रोत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है मसल को यानी पेशी को हड्डी से जोड़ता है? तो टेंडन्स होता है। इसका आंसर क्या होगा? टेंडन इसका आंसर होगा, टेंडन। आपको पहले बता चुका हूं टेंडन्स और लीगामेंट्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। लीगामेंट्स जो होता है वह लीगामेंट का काम क्या होता है? उसका काम होता है बोन से बोन को जोड़ना, बोन और प्लस बोन, ये काम लीगामेंट्स करेगा। और टेंडन क्या करेगा? टेंडन करेगा बोन और प्लस मसल, ये काम करेगा। आपसे इससे सवाल पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा तंत्रिका तंत्र का प्रकार नहीं है? अगर तंत्रिका तंत्र का प्रकार पूछ रहा है कौन सा नहीं है, ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र का प्रकार इसमें से जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए नर्वस सिस्टम पढ़ाते समय हमने तीन भागों में नर्वस सिस्टम को बांटा था, एक CNS था, एक PNS था और एक था ANS, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। देखिए यहां आपको मिलेगा सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनॉमस, सेंसरी ये इसका आंसर है, ये नहीं होता इसमें शामिल। कौन सा विटामिन सी पानी में घुल जाता है? तो बता दो बी और सी होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। किस खेल में एंटीना का प्रयोग होता है? एंटीना में जो वॉलीबॉल खेलते हैं तो दोनों तरफ रॉड लगाते हैं और रॉड व्हाइट और सफेद स्ट्रिप के साथ आती है, दोनों तरफ बॉल उसी के बीचों बीच जाना चाहिए, इसी कंटिन्यू। ये सब एक्सरसाइज वाले में हमने करवाया है और बेबाकायदे समझाते समय मैंने इसका डिस्क्रिप्शन भी क्लास के अंदर दिया है। रिले दौड़ के समय टेक ओवर जोन का निरीक्षण कौन करता है? तो वहां एक अंपायर लगाया जाता है निरीक्षण करने के लिए, याद रखिएगा, निरीक्षण करने के लिए एक अंपायर लगाया जाता है, ठीक है, इस जोन का निरीक्षण करने के लिए अंपायर लगाया जाता है। एथलेटिक्स ट्रैक इवेंट्स में लाइनों की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है, क्लास के अंदर डिस्कस हुआ है। निम्न में से कौन सा आसन बैठने की अवस्था में किया जाता है? तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन होता है, यहां पर ऐसे बैठकर ऐसे टेढ़े होकर इस तरीके से एक्सरसाइज किया जाता है। किसी लेन के स्टेगर डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है?
डब्ल्यू एन विद माइनस एन माइनस वन माइनस पॉइंट वन इंटू टू डब्ल्यू, इसका आंसर होता है। ठीक है, तो इसका होगा बी, इसका आंसर आएगा। कौन सी बीमारी संक्रमित स्तनधारियों से मनुष्य में फैलती है? स्तनधारी संक्रमित होगा कुत्ता, उससे रेबीज फैलेगा। स्तनधारी मतलब जो सीधे बच्चों को जन्म दे, ठीक है, उस होगा रेबीज। पेशी फाइबर की मोटाई में वृद्धि को क्या कहते हैं? देखिएगा, पेशी फाइबर में वृद्धि की स्थिति को बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है मोटा होना। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी होना, ठीक है, तो हाइपरट्रॉफिक मतलब होता है मोटा होना। अगला सवाल है, डिस्कस थ्रो में सेक्टर का कोण कितना होता है? 34.92। काइफोसिस को और क्या कहते हैं? तो काइफोसिस मतलब हड्डी पीछे वाली चीज को मुड़ जाना, राउंड हो जाना। इसकी भी चर्चा क्लास के अंदर की जा चुकी है, मैंने सवाल के माध्यम से काइफोसिस समझाया है। तो काइफोसिस जो होता है वो राउंड बैक होता है एक्चुअल में, इसका आंसर होगा राउंड बैक। जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जोड़ों का अध्ययन जो होता है आपका डी, यानी कि अस्थि विज्ञान कहलाएगा। डी यानी अस्थि विज्ञान। गति का संकेत, गति किलोमीटर प्रति घंटा से मेजर किया जाता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? डिफेंस करना, जीवाणुओं के खिलाफ लड़ना, इसका आंसर हो जाएगा। सिट एंड रिच टेस्ट क्या मेजर करता है? हैमस्ट्रिंग और पीठ का लचीलापन। सिट एंड रिच टेस्ट जो होता है हैमस्ट्रिंग और पीठ का लचीलापन ये मेजर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है? देखिए, लक्ष्मण पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है और यश भारती पुरस्कार नागरिक सम्मान है। दोनों ही सम्मान जो है वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही दिया जाता है। सीखना हुआ प्रक्रिया है जिससे बदलाव होता है व्यक्ति के व्यवहार में। व्यक्ति के व्यवहार में नॉलेज, एटीट्यूड्स, बिहेवियर और कैरेक्टर्स, ठीक है, तो जब लर्न करते हैं तो आपका बिहेवियर चेंज होता है। शॉर्ट पुट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए, तो मेरे विचार से इसका आंसर आएगा डी, ठीक है, डी। क्यों डी? क्योंकि इसमें अधिकतम गति चाहिए आपको, ठीक है, इसके बाद साथ साथ आपको, नहीं डी नहीं होगा इसका आंसर, सॉरी, इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए, क्योंकि इसमें आपको अधिकतम गति की जरूरत पड़ेगी शॉर्ट पुट के लिए, एक बात। दूसरी बात, आपको अधिक इष्टतम कोण चाहिए, न ज्यादा न कम, बिल्कुल ऑप्टिमम एंगल चाहिए, साथ साथ फेंकने की अधिक ऊंचाई, ठीक। स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने के सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो आप स्वयं अगर सीखना चाहते हैं, दूसरे का अवलोकन करिए, दूसरे का ऑब्जर्वेशन करिए, को कैसे करता है किसी चीज को, तभी आपको सीख सकते हैं। कौन सा भारतीय बैडमिंटन विश्व खिताब जीतने वाला पहला खिलाड़ी था? तो विश्व खिताब जीतने वाले जो पहले व्यक्ति प्रकाश पादुकोण थे, दीपिका पादुकोण के पिताजी, जो फिल्म एक्ट्रेस हैं। डिक्थलान में अंतिम स्वर्ण स्पर्धा हमेशा होती है, तो बता चुका डिक्थलान 2 दिन में होता है, 10 गेम होते हैं, अंतिम प्रतियोगिता 1500 मीटर की होती है। भी हमने जब टेस्ट करवाया था तो उसमें भी हमने इसकी चर्चा की है आपके सामने। 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? ठीक है, 110 मीटर की बाधा दौड़ में, तो ये भी बता चुका हूं इसकी ऊंचाई कितनी थी, 1.067 होती है, तो यहां 1.07 दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन सी के सबसे समृद्ध स्रोत आपका सी यानी अमरूद होगा, ठीक है, इसका सबसे समृद्ध जो है वो होगा अमरूद।
मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है? तो ये सार्टोरियस होती है, इसी को टेलर्स भी कहा जाता है। बता चुका हूं सार्टोरियस जो मसल्स होती है इसी को टेलर मसल्स भी कहा जाता है। एक पेशी के तीव्रतम संभव समय में प्रचंडता के साथ संकुचन करने की योग्यता को क्या कहते हैं? इसी को एजिलिटी यानी चपलता कही जाती है। दैट इज कॉल्ड द एजिलिटी यानी कि चपलता। निम्न में से कौन सा क्रॉच स्टार्ट की श्रेणी में नहीं आता है? तो क्रॉच स्टार्ट की श्रेणी में शॉर्ट स्टार्ट नहीं आता, मीडियम स्टार्ट, इलांगेटेड स्टार्ट और बंच स्टार्ट आता है, लेकिन शॉर्ट स्टार्ट इसके अंतर्गत नहीं आता है। यानी इसका आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है? तो एलिमिनेशन होता ही है, राउंड रॉबिन भी होता है और वैगन नाइल, इसमें एंटीसिपेटरी नहीं होता है, ठीक है। बंगाल वाइड्स तो होता ही है भाई, तो बता चुका हूँ सब क्लास के अंदर। फिनिश ग्रिप का संबंध किससे है? तो फिनिश ग्रिप जो होता है एक्चुअली में जेबलिन में होता है यानी कि भाला थ्रो में होता है। फुटबॉल का प्रथम विश्व कप उरुग्वे में हुआ था, ये सब टेस्ट के अंतर्गत डाल चुका हूँ मैं क्वेश्चन। कौन सी ड्रग्स की श्रेणी में नहीं आती है? तो डिपेंडेंट्स जो होती है वह ड्रग की श्रेणी में नहीं आता। अगला सवाल है कि रंगा स्वामी कप, ये भी टेस्ट में डाला हूं। रंगा स्वामी हॉकी में खेला जाता है, हॉकी का कप है। निम्न में से कौन सा पेशी कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? माइटोकांड्रिया, क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया यहीं पर घटित होती है। इसका जवाब भी दे चुका हूं। वेदगत भिन्नताएं, सब सवाल टेस्ट में आए हैं, वेदगत भिन्नताएं निम्न में से किस कारण से होती हैं? तो वंशानुक्रम प्रभाव के कारण होती हैं वेदगत भिन्नताएं, ये भी टेस्ट के अंतर में डाल चुका हूं। निम्नलिखित में कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो अंपायर फुटबॉल में नहीं होता है, उसमें जो है रेफरीज होते हैं। उबेर कप किसके साथ जुड़ा हुआ है? उबेर कप का जो संबंध है वो उबेर कप जो है वो आपका बैडमिंटन, महिला बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। अब पूछा गया कि निम्न में कौन सा उपकरण ऊंचाई को मापता है? ऊंचाई को मापने वाला जो उपकरण है वो स्टेडियोमीटर होता है, जहां पर खड़े होकर आप ऊंचाई को लंबाई अपने मेजर करते हैं। स्वस्थ शरीर में, इस देखिए ये भी सवाल टेस्ट में डाला हूं मैं और ये भी डाला हूं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बसता है, किसका कथन है? तो ये कथन है अरस्तु का, एरिस्टोटल का है ये कथन, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी जो होती है वो फुटबॉल से संबंधित है, इतना मैं ऑलरेडी बता चुका था। अब आते हैं सवाल पर कि क्वेश्चन नंबर 88, जिसमें ये लाइन कही, निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत में होता है कि रुकना और चलने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्टॉप एंड गो, ये खेल प्रशिक्षण में नहीं आता है। इसके पुला बोन कहाँ होती है? तो ये अपर हाफ में, जो अपर बैक आपका होता है यहाँ होती है, बता भी चुका हूँ इसके पुला बोन, ये भी टेस्ट में डाला हूँ, यहाँ इसके पुला बोन पाई जाती है। लंबी कूद के लिए वायु का वेग कितने समय के लिए मेजर करते हैं? तो ये जया देखेगा इसका जवाब, इसका होगा 10 सेकेंड्स। जब लंबी कूद तो वायु का वेग 10 सेकेंड्स के लिए मेजर किया जाता है, ये आप जानते चलिएगा। अगला सवाल क्या है? निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक विकलांगता नहीं है? ठीक है, एक कॉग्नेटिव जो है डिसेबिलिटीज होती हैं, डिसलेक्सिया होती है, व्यक्ति को पढ़ने में दिक्कत आने लगती है, हाइपर एक्टिविटी, मेमोरी डिसऑर्डर, सेंसरी इंपेयरमेंट्स, तो ये सेंसरी जो संवेदी लॉस होता है ये नहीं होता इसके अंतर्गत, ठीक है। इसके अंदर जो आप जब भी आप बात करते हैं किसी कॉग्नेटिव जो है डिसेबिलिटी की बात करते हैं, तो इसमें आपको आपकी मेमोरी लॉस कर जाएगी, आपको लिखने में दिक्कत आएगी, आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी, लेकिन आपको छूने में कोई टच करेगा तो सेंस में दिक्कत नहीं आती है, डिसलेक्सिया और सारे कुछ हाइपर एक्टिविटीज, मेमोरी डिसऑर्डर्स, लेकिन आपको कभी सेंसरी इंपेयरमेंट नहीं होता इसमें। अब पिट्यूटरी ग्रैंड कहाँ पाई जाती है? तो जानते हैं, अब कहने की बात है, क्रेनियल कैविटी से खोपड़ी के अंदर पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस व्यायाम में किए गए कार्य को वैज्ञानिक आधार पर कार्य नहीं माना जाता? देखिए इसको भी मैंने कहा था आपको जब क्लास में पढ़ा था, जब आइसोमेट्रिक टेस्ट आप करते हैं दीवार को ढकेल रहे हैं, तो जानते हैं मैंने ये भी लिखा था उसमें, जब आप लोग अगर याद हो तो आप लोग उसमें देखेंगे मैंने लिखा था डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप कर ही नहीं पा रहे हो इसलिए आपको ये डिस्प्लेसमेंट जीरो है, फोर्स चाहे जितना लगाओ
आपको ये वैल्यू मिले कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी। ऐसा कब होता है, आइसोमेट्रिक में होता है, यानी कि इसका आंसर होगा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ठीक है, वर्क डन आपका जीरो हो जाता है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पेराइटल अस्थि स्थित होता है, तो पेराइट पेराइटल अस्थि जो होता है वो खोपड़ी में स्थित होगा। अब एक सवाल पूछा कि लंबी कूद में हवाई दूरी का निर्धारण करने वाले लिखित कारकों को अधोक्रम में सजाइए, तो इसको अधोक्रम में आप सजाना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि अधोक्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले जो सबसे लास्ट में उसको पहले करो और जो सबसे पहले उसको सबसे बाद में करो। ठीक है, तो इसको अधोक्रम में अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है तो सबसे पहले जो है आपका टेक ऑफ वेग होगा, नहीं टेक ऑफ वेग तो सबसे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है ना, तो ऊंचाई के बाद सब ऊंचाई होगी, वेग ऊंचाई वेग पहले होगा, एसेंडिंग भी तो आ जाएगा। चार दो तीन एक डिसेंडिंग ऑर्डर है, देखना पड़ेगा एक बार, एक बार रुक जाओ मैं एक बार ऑर्डर बना लूं इसका, इस क्वेश्चन का ऑर्डर मैं रेडी कर दूं जरा। डिसेंड करना है इसको, तो सबसे पहले जो होता है आपका एयर रेजिस्टेंस तो सबसे लास्ट में आता है आपका, तो इसी के सबसे पहले इसमें ऑप्शंस में रूप में दे नहीं रहे हैं, तो डी इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, ओलंपिक झंडा सर्वप्रथम कब फहराया गया था, तो ओलंपिक झंडा एंटवर्प जानते हैं कि 1920 में फैलाया गया था, सबसे पहले वहीं फहराया गया था, ये भी क्लास के अंतर्गत करवाया गया है। थपथपाना किससे संबंधित है, थपथपाना मालिश से संबंधित है, कोई दो राय नहीं है। परिस्थिति में बदलाव के आधार पर गतिज क्रिया का प्रभावी रूप से सामंजस्य करने की जो योग्यता होती है उसको क्या कहते हैं, तो जो जब आप कहते हैं कि परिस्थिति में बदलाव के आधार पर, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कपलिंग एबिलिटीज, दैट इज कॉल्ड द कपलिंग एबिलिटीज, इसको लोग बोलते हैं कपलिंग एबिलिटीज। अब देखिए हमसे लोग स्टूडेंट्स लोग चिल्ला रहे थे सर हिंदी में बताइए हिंदी में बताइए, आप ही बताइए क्या आपको हिंदी में बताने लायक था क्लास, सब कुछ तो लिख उसी तरह कपलिंग योग्यता लिख रहा है, अगर मैं इसको और कोई नाम में पढ़ाता तो कैसे आप लोग जान पाएंगे, खुद ही सोचिए। गेस्ट्रो सिनेरियस मसल्स एसोसिएटेड, ये कहाँ होते हैं, ऐसे मसल्स जो होते हैं वो पैर के जो है वो निचले भाग में पाए जाते हैं, गैस्ट्रोक्लिनियस जो पेशीज होती हैं, ये जो पेशी जो होती हैं वो पैर के निचले भाग में पाई जाती हैं, यानी कि अब पैर के निचला भाग आप समझ गए होंगे कहाँ से, यानी कि घुटनों के नीचे जो पैर के और पीछे वाले हिस्से पर, इसका आंसर हो जाएगा बी। किस विकास के लिए अंतराल प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है, तो हमेशा विस्फोटक शक्ति के लिए, अंतराल प्रशिक्षण विस्फोटक शक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, एंडोरेंस के लिए, अरे सॉरी एक्सप्लोसिव। उच्च स्तर पर प्रशिक्षण भार के अनुकूल के रूप में जाना जाता है, एक्लिमेटाइजेशन, सारे इंग्लिश में टर्म्स हैं कि अगर आप उच्च स्तर पर प्रशिक्षण भार के अनुकूल के रूप में जाना चाहते हैं, एडॉप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट द हाई एल्टीट्यूड, जब हाई एल्टीट्यूड पर ऊंचाई पर है जो प्रशिक्षण होता है उसको एक्लिमेटाइजेशन कहा जाता है। किसी व्यक्ति की मानसिक आयु का पता लगाया जाता है, कैसे लगाते हैं, तो भाई आप दिन महीना गिनकर मानसिक आय उसका नहीं जान सकते हैं, आप एक्सरे करवा कर भी किसी के बारे में किसी मस्तिष्क की मानसिक आय नहीं जान सकते हैं, उसकी बॉडी के और ऑर्गन कितना काम कर रहे हैं इससे नहीं जान पाए, उसको केवल साइकोलॉजिकल टेस्ट करिए आप, उसी से आपको पता चल पाएगा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से ही पता चल पाएगा कि वास्तविक रूप से उसका मनो के उसका मानसिक आय कितना है। ठीक है, अब आ जाते हैं गोनियोमीटर, तो गोनियोमीटर क्या करता है, तो गोनियोमीटर एक्चुअली लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है, इसका मतलब होता है डी, ये भी क्लास के अंदर डिस्कस सवाल है। परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था, ये भी क्लास के अंदर
क्लास के अंदर किया गया क्वेश्चन है। रिफ्लेक्स एक्शन कौन नियंत्रित करता है? स्पाइनल कार्ड नियंत्रित करता है, यह भी क्लास के अंदर दिया गया क्वेश्चन है। पिरामिड प्रतियोगिता किस में होती है? चैलेंज टूर्नामेंट्स में होती है, यह भी क्लास के अंदर समझाया और पढ़ाया गया सवाल है। स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता को क्या कहते हैं? तो इसको जो होती है एक्चुअल में ये कहलाता है एक्सेलरेशन योग्यता। स्थिर अवस्था से अधिकतम गति अगर आपको प्राप्त करनी है दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन एबिलिटीज। लेडी रतन टाटा, ये भी सवाल आपको क्लास के अंदर करवाया गया है कि हॉकी से संबंधित होता है, ये भी आपको क्लास के अंदर करवाया गया है। ट्रांजिशन अवधि का लक्ष्य क्या होता है? जो ट्रांजिशन अवधि होती है, एक्चुअली में ट्रांजिशन अवधि क्या होती है? ट्रांजिशन अवधि का मतलब होता है कि कोई चीज जो है अपनी सामान्य स्थिति में जब तक नहीं आ जाता तब उसको ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है, यानी सामान्य स्थिति में आना। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर होगा आपका डी। डी इसका आंसर होगा। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों को किस वर्ष आयोजित किया था? तो इसको भी, इसका भी सवाल हम लोगों ने सीखा है 1982 में इंदिरा गांधी के समय में दूसरी बार एशियाई खेल आयोजित हम लोग किया था, ठीक है। दूसरी बार सर्जेंट जंप आंकता है, सर्जेंट जंप जो जंप होता है वो ऐसे करके नापते हैं ऊंचाई को, नापने का प्रयत्न करते हैं, तो उसमें हाथ की क्षमता को मेरे कहते हैं विस्फोटक ताकत, हाथ की ताकत, विस्फोटक हाथ की ताकत, ठीक है। अब इसमें एक सवाल यहां पर दे रहा है कि आपके सामने आहार और पोषक तत्व तो है, तो देखिए अगर आप इसको मिलाना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा ऊपर करूं जिससे कि आप इस सवाल को देख पाए, आहार और पोषक तत्व तो, ठीक है। तो जब आप इसको देखेंगे, अभी मैं कर लूंगा, ठीक है, मेरिट काफी कम होगी, मेरिट कम होगी, मुझे लगता है 80 से 90 के बीच में ही मेरिट जाएगी, मेरिट ज्यादा नहीं जा सकती इस पेपर की, ये पेपर बहुत सरल पेपर नहीं आया है कि आप लोग कोई भी आदमी आएगा फटाफट नेपाल मार कर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर डिफिकल्ट है पेपर, लेकिन आप लोगों के साथ 60-70 के आसपास मुझे लगता है कि सवाल प्रैक्टिस सेशन से आए हैं, प्रैक्टिस टेस्ट से आए हैं, इस वजह से आप लोग एडवांटेज स्थिति में होंगे। अगर आप लोगों ने जो नॉन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से 20 सवाल सही किए होंगे नॉन प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस से सारे सवाल सही किए होंगे, तो इस बार आप सेलेक्ट हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए दूध पनीर और दही, इन तीनों चीज से आपको कैल्शियम मिलता है, यानी ए का 2 होगा, ठीक है। इसके बाद मीट अंडा मछली से आपको प्रोटीन मिलता है, यानी बी का 3 होगा, ए का 2 और बी का 3, ये आंसर मिल गया आपको। इसके बाद आंसर आपका सी का 4, यानी सब्जी से आपको विटामिन मिलेगा, रोटी चावल से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, डी का 1 होगा। इसका मतलब इसका आंसर आएगा आपका बी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी। बहुत धुंधला आ रहा है यार, छोटा कैसे करूं। राधा मोहन कब किससे संबंधित है? तो अगर राधा मोहन कप की आप बात करते हैं तो राधा मोहन कप बहुत ये है आपका पोलो से संबंधित है। राधा मोहन कप का संबंध पोलो यानी सी से है, इसका आंसर होगा सी यानी पोलो। देखिए YMCA कॉलेज जो स्थापित किया गया था इसके पहले प्राचार्य कौन थे, यानी कि हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो HC बक थे, ये आंसर सही लगाया है, HC बक थे इसके पहले प्रिंसिपल्स, HC बक थे, ठीक है। अगला क्या है, 400 मीटर बाधा दौड़ में एथलीट को कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं? तो 10 बाधाएं एथलीट के सामने आती है, इक्वल डिस्टेंस पर 10 बाधाएं रखी जाती हैं 400 मीटर में, ठीक है ना। दीपेंद्र कुमार 88 अगर आप पाए हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, और मेरे अकॉर्डिंग यही ये मेरिट लिस्ट ही है आपकी, याद रखिएगा। स्टर्नम जो है वह कहाँ स्थित होता है? तो हम लोगों ने क्लास में चर्चा किया कि बीच की जो छाती वाली हड्डी होती है वो स्टर्नम होती है, जिसका आंसर हो जाएगा सी। आप लोगों को उसके बारे में बताया जाए, देखिए
घुटने को मोड़ते समय बाइसेप्स क्या कार्य करती है? याद रखिएगा, बाइसेप्स जो होता है वो एना एगोनिस्ट का कार्य करती है और ट्राइसेप्स जो होता है एंटागोनिस्ट का कार्य करती है। जो मोड़ेगी वह एनागोनिस्ट और जो उसको फैलाएगी वह एंटागोनिस्ट कहलाती है। इसको बोलते हैं बीस का। राउंड रॉबिन किससे संबंधित है? देखिए इसकी भी चर्चा हम लोगों ने किया। राउंड रॉबिन लीक प्रतियोगिता को कहा जाता है, ये भी हम लोग क्लास में किए थे। लिखित में कौन सा तरीका फिक्सचर डालने का नहीं है, इसको बता चुके हैं। टेबुलर भी सबको फैलाकर बता चुका हूं। स्टेयर केस होता है आपके सामने, टेबुलर भी होता है, साइक्लिक भी होता है, लेकिन ऐसा है सर्कुलर विधि नहीं होती है। इसका आंसर सर्कुलर विधि यानी सी नहीं होता। इसको भी हमने क्लास के अंदर डिस्क्राइब किया था और तीनों विधि पर हमने चर्चा भी किया अलग से। रिलीज एवं रिवर्स तकनीक किससे संबंधित है? जब आप रिलीज करोगे आपको क्या करना है? रिलीज करना है एवं रिवर्स करना है। रिलीज एवं रिवर्स आप खुद ही समझ गए होंगे कि ये गेम किसमें आएगा। अगर इसके केवल आंसर को व्याख्या कर लेते, शॉर्ट पुट में आता है जो गोला फेंक होता है उसमें आता है आपका ये रिलीज, ये बीस का आंसर होगा। प्रतियोगिता के पूर्व आहार में किसकी अधिकता होनी चाहिए, ये भी सवाल हम लोगों ने चर्चा में रखा है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फिर 3000 की स्टेपल चेज, इसकी भी क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था। इसमें 28 बाधा दौड़ होगी और 7 वाटर जंप होंगे, इसकी चर्चा ऑलरेडी क्लास के अंदर हो चुकी है। यदि सीखा जाने वाला नया कौशल पहले सीखे हुए कौशल से भिन्न है तो सीखने का हस्तांतरण ये एब्सोल्यूट होता है, ये पूर्ण हो गया, ये पूर्ण हस्तांतरण कहलाता है। कि पहले से जैसे सपोज करिए कि आपने पहले जो है 2x2 सीखा था, आज आपने 2+2 सीखा है, तो दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट। यानी ये कहलाता है कि एब्सोल्यूट जो है कि लर्निंग होती है। ये निम्नलिखित में से किसे प्रमुख ग्रंथि कहते हैं, यानी मास्टर ग्लैंड? तो मास्टर ग्लैंड प्यूटरी ग्लैंड है, इसकी भी चर्चा क्लास के अंदर हुई है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जर्मनी में है, आप जानते हैं लुसाने में है, स्विट्जरलैंड, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसका आंसर स्विट्जरलैंड के अंदर है, तो ये इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। और इसकी इसको भी मैंने पढ़ाया क्लास के अंदर। अब आप देख सकते हैं, अगर आप केवल प्रैक्टिस सेशन से क्वेश्चन को देखें तो लगभग 70 सवाल प्रैक्टिस सेशन से आए हैं, और मैं अगर इसमें से कुछ भी गलत या झूठ बोल रहा हूँगा तो आप लोग प्रैक्टिस पेपर को उठाकर और अपने पेपर को उठाकर मिलान कर लीजिए, आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कितने सवाल प्रैक्टिस सेशन से आए हुए हैं। देखिए स्टेट ऑफ माइंड होता है, एग्जाम में बच्चा डरा होता है, करियर का सवाल है, जीवन का सवाल है, इधर का उधर हुआ तो लाइफ आपकी बदल जाती है, इसीलिए डर कर आप लोग कभी कभी गलतियाँ करते हैं, क्योंकि गलतियाँ हम सबसे होती हैं, हम में से कोई इंसान ऐसा नहीं जो ऐसी गलतियाँ ना करता हो। लेकिन कभी हौसला मत हारिएगा। आपका को कितना मिल रहा है? मुझे लगता है 85 से 90 तक के बीच की इसकी मेरिट जानी चाहिए, इसके ऊपर इसकी मेरिट नहीं जाएगी। ठीक है, ठीक है। अगर कोई बच्चा 100 है तो मान लीजिए कि उसको नौकरी करनी है, ठीक है, 85 से 90 के बीच में मेरे क्या मेरी जाएगी, क्योंकि सरल पेपर नहीं है। भाई जहां तक मैंने पढ़ा है कि मोटो वो एवर फॉरवर्ड होता है, अगर एवर ऑनवर्ड दे रहा है, गूगल पर दे रहा है एवर ऑनवर्ड, तो एक बार उसको चेक कर लेने में कोई बुराई नहीं है। उसका जो मोटो है उसको एवर फॉरवर्ड कहते हैं, निरंतर प्रगतिशील कहते हैं उसको, निरंतर प्रगतिशील। तो हिंदी बोलते निरंतर प्रगतिशील, तो एवर ऑनवर्ड हाँ हो भी सकता है, एवर ऑनवर्ड एवर फॉरवर्ड ये वर्ड है, लेकिन एवर फॉरवर्ड मैं जहां तक जानता हूं एवर फॉरवर्ड है। मैं देखिए मेरे आंसर से 2-4 क्वेश्चंस अगल बगल हो सकते हैं कमीशन के आंसर, ठीक है, जो आंसर मैंने दिया आपको। और जो अगर खुद ही सोचो, क्या मैं एग्जाम में बैठा होता 125 सवाल लगाने लगते, क्या मुझसे 125 सवाल लग जाते? क्या नहीं लगते? कुछ 2-4-6-10 हमसे भी गलत होते, जो हमसे गलत होते हैं या हमसे गलत होंगे क्वेश्चन, उसमें जो होते हैं आप मान सकते हैं कि इस आंसर के साथ कि आप 2-4 क्वेश्चंस का दहिने बाएं हो सकता है। यानी किसी बच्चे का 88 है, ठीक है ना, तो वह हो सकता है कि वो 92-93 पर चला जाए, 100 वाला 104 पर चला जाए। तो मेरे आंसर से आप अपना आंसर मैच करवाइए। और देखिए मैंने मेहनत किया, थोड़ा कम टाइम था, स्पोर्ट्स के पूरे पोर्शंस पर, बहुत कुछ पोर्शंस पर काम करने का अवसर नहीं मिला, इसीलिए नए बैच में एडमिशन आप लोग बहुत पहले ले लीजिएगा। फिजिकल एजुकेशन पढ़ने के लिए आप 6-8 महीने पहले एडमिशन ले लीजिएगा और फुल कोर्स
क्योंकि मैं अब की बात फुल कोर्स मैं खुद पढ़ाऊंगा इस सारे पोर्शंस को लेकर, जहां मुझे जरूरी लगेगा वहीं मैं किसी को इंट्रोड्यूस होने दूंगा, तो भाई पूरे कोर्स को लेकर चलूंगा और अपने मेथड से समझाऊंगा और इंग्लिश के टर्म्स में ही इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं देख आप खुद ही देख सकते हो कि हिंदी के टर्म्स मिलते नहीं है एग्जाम्स में। इसीलिए उन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करिए जिनकी ट्रेनिंग करिए जिनकी ज़रूरत है एग्जाम के लिए। तो ये आपका आंसर था और हमने बहुत कम समय में जो है कि मैंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जब आपसे कोई भी सवाल गलत हुआ या मुझे अंदर से जब प्रैक्टिस मैं इसको पेपर को देखा और करने लगा तो मुझे भी कुछ चीज़ों को लेकर अफसोस है और दिल से अफसोस है मुझे कि काश मुझे जो होती 1 मंथ केवल एक्स्ट्रा मिला होता, केवल 1 महीने और मुझे अतिरिक्त मिल गया होता, ये एग्जाम 8 सितंबर को करवाता तो मेरे सामने बैठे हुए कोई भी बच्चे बाहर नहीं जाने की स्थिति में रहते, क्योंकि मैं इसको सभी को उठा कर ले जाता, क्योंकि मुझे इतना कम समय मिला कि मुझे उनमें सॉर्ट करना पड़ा कि ये पोर्शन मैं पढ़ाऊं और ये पोर्शन मैं छोड़ूं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस करवाया काम नहीं चलता। समय की बाध्यता थी, समय की कमी थी और बहुत कम टाइम मिला, इस वजह से सारी समस्याएं आई। और जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के कम रह जाते हैं या कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, उन क्वेश्चंस के पीछे की वजह से पे ही था। अगर मेरे को पूरा टाइम मिला होता पढ़ाने का, सारे गेम को सारे विधाओं को मैं पढ़ाया होता, तो आप कैसे गलत करेंगे ये भी सोचिए ना, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी इसको फैलाए हैं और आप फिर भी आप पेपर में देखिएगा कि सारे पेपर के क्वेश्चंस को मैं अपने हाथ से लिख लिख कर बनाता था और 125 में 70 से 75 क्वेश्चन इसी तरीके के ये टेस्ट में मैंने करवाए हैं और जितने टेस्ट आपके सामने गए वो आपके पास हैं। अगर नहीं आपको यकीन आता है कि करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ, या कोई ये YouTube का यूजर देख रहा है उसको लगता है करवाया नहीं करा, तो वो कहीं से भी इसको फाइंड आउट करके मिलान कर सकता है, क्योंकि अब तो मैं बदल नहीं सकता, जो पेपर गया वो गया आपके सामने, जो मैंने प्रैक्टिस कराई वो मैं बदल नहीं पाऊंगा। तो आप देख सकते हैं वहां पर कि मैंने जो पेपर दिए थे उसमें से कितने सवाल आए हैं, 70-75 से कम सवाल नहीं आए हैं, ये जान लीजिएगा आप लोग। ठीक है, न्यू क्लास के लिए भी हम लोग बहुत जल्दी प्रयत्न करेंगे कि नए बैच के फिजिकल एजुकेशन के नए बैच को बनाएं और पूरी तरह से ट्रेंड करें आप लोगों को, कि जिससे कि हकी देखिएगा कि एक इंग्लिश की कहावत है कि स्टोन ब्रेक बाय द लास्ट स्ट्रोक ऑफ हैमर, इट डज नॉट मीन दैट फर्स्ट स्ट्रोक वाज वर्थलेस। इसका मतलब होता है कि हथौड़े की अंतिम चोट से पत्थर टूट जाता है, इसका मतलब यह नहीं कि पहला चोट बेकार नहीं जाता। अगर किसी भी पत्थर पर आप किसी हथौड़े से हैमर से आप ठोकते हैं तेज से और अगर वह 10 बार में टूट जाता है तो इसका हरगिज यह मतलब नहीं कि 9 बार बेकार गया आपका। अगर आपने एक प्रयत्न किया तो यह प्रयत्न आपकी सफलता के लिए, जैसे हर बार हर स्ट्रोक जो है वह तोड़ने की दिशा में एक कदम था, 9 ने प्रयास किए होंगे तब 10 ने तोड़ा होगा। अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन किसी कारण से रुका तो उसको प्रयास मानकर आगे बढ़िएगा, कभी भी जीवन में इस पथ पर कभी भी जो है कि थकिएगा मत, हारिएगा मत, अपनी एंडोरेंस को अपनी सहनशीलता को बनाकर रखिएगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और ये बहुत जरूरी है कि आप एंड्योरेंस अपने अंदर डेवलप करिए। एंड्योरेंस को मैंने पढ़ाया भी क्लास के अंदर कि एंड्योरेंस जो होती है वह कैसे डेवलप होती है। जरा इसको हटाइए, इधर आइए, इसको सामान्य स्क्रीन करिए, इसको हटाकर स्क्रीन बोर्ड लगाइए। इसका बोर्ड कलर आप लोग जो है कि अगर आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाते हैं इस फील्ड में, यहां पर आते हैं बहुत जल्दी अगर आप लोग कि वो करने के लिए कि कितना जो है कि तो हम आपको लोगों को इस पेपर में बहुत अच्छे से तैयार करवा सकते हैं और एक एक पॉइंट एक एक चीजें आप लोगों को खूब बेहतरी से डेवलप करवा सकते हैं, टाइम मुझे मिले। आप लोगों को भी मालूम है, आपका भी दिल जानता है और मेरा भी दिल जानता है कि टाइम काफी कम मिला था, टाइम हम लोग को वाकई में कम मिला था, 2 महीने से भी कम समय टीजी जैसे इतने बड़े सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, फिर भी मैंने बड़ी स्पीड से एकदम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ से आप लोगों के बैच को कंप्लीट किया पढ़ाया। और अगर आप लोगों को कोई भी मुझसे शिकायत रह गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं कि कुछ शिकायत रह गई, लेकिन जो भी वजह थी वो सिर्फ टाइम थी। कुछ पोर्शन जो होते हैं वह अगर लेफ्ट रहे तो उस टाइम की वजह से रहे। थोड़ा टाइम लेकर आप लोग बैच के साथ जुड़ेंगे तो आप लोग का निश्चित रूप से चयन होगा और मैं खुद आप लोगों को इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा।
वैसे भी फिर से मैं बता दूं, आधे से ज्यादा यानी मोर देन 70 क्वेश्चंस आउट ऑफ 125 आपके जो है कि पेपर से आए हैं जो मैंने आपको टेस्ट करवाए थे। इस फैक्ट से आप इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सारे इविडेंस सारे प्रूफ्स हम लोगों के पास पहले से मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है। कट ऑफ मुझे, मैंने फिर से बोला कट ऑफ कैन नेवर एक्सीड टू 90 क्वेश्चन, राइट। So if you are getting the 85 to 90 question, then you are safe according to my view, because questions level of the question is very difficult and this is not in competence with anybody at all that he can solve all the questions. It's a difficult mode of the questions. So आप ये मत समझिएगा कि बहुत सरल पेपर था, पेपर निश्चित रूप से एक कठिन पेपर बनाया गया था और हिंदी का पेपर और फिजिकल एजुकेशन का पेपर टीचिंग में वाकई में डिफिकल्ट आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग शुरुआत के समय से सारी बातों पर नजर डालेंगे तो हम लोग का चयन निश्चित रूप से होगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है कि अच्छा करने के लिए फिर से एक बार संगठित होंगे और मैं नीरज श्रीवास्तव आप लोगों के सामने फिर से एक नए रूप में उपस्थित होकर आपको 1 से शुरू करके 100 तक लेकर जाऊंगा और अपने कंधे पर लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो ये रहा आज का पूरा सोल्यूशन आप लोगों के सामने, और ऐप पर भी इसके सोल्यूशंस डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इन चीज़ों को एक बार मिला लीजिए। ऐप पर आप लोग आंसर इसके फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका आंसर का जो है वो हम उस पर भी डाल देते हैं, आपके टेलीग्राम पर भी डाल देते हैं। जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं जिनको आंसर देख देख कर मिलाना हो, ये सी का है, मैं बता दूँ ये जो है कि सी है आपका सेट, सेट सी है, उसका आंसर टेलीग्राम पर चला जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही करते हैं, फिर आपको रेस्ट क्लास में जल्दी मुलाकात आपसे होगी किसी नए बैच के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, थैंक यू।